नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। और इसमें खड़े हैं कनाल के दयालपुरा गेट में। और आपको बता दें, पंचायत रोडान का जो कार्यालय है वहां पर जो है चोरों ने सेंध मारी। और यहां पर जो है आपको बता दें, पहले तस्वीरों में दिखा दें आपको कि यहां पर फिलहाल वेल्डिंग का काम चल रहा है और यहीं से जो है चोर घुसे थे। यहां पर आपको बता दें कि दयालपुरा गेट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पंचायत रोडान का जो कार्यालय है वहां पर ये जो जगह आपको दिखा रहे हैं नीचे खिड़की, इसे तोड़कर चोर घुसे हैं और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि चोरों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद है कि यहाँ पर जो कार्यालयों के अंदर भी है इस तरीके से यहाँ पर जो है चोरियाँ करते हैं। हमारे साथ जो कार्यालय के प्रधान हैं उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, एक बार जानकारी दीजिए कि क्या है, इसके बारे में बताएंगे सर? इसके बारे में बस यही है कि वो रात के टाइम यहाँ से बड़े सुबह स्वीपर जिस वक्त यहाँ सफाई करने के लिए आया तो उसने मेरे को बताया कि जी इस तरह करके, क्योंकि घर मेरा साथ ही लगता है, उसने जा करके क्या प्रधान जी वहाँ पर थे जो वो अंदर उसमें पार्ट दिया हुआ है, मैं किस चीज़ में कहने के दफ्तर के उसमें खिड़की है, तो मैं चाबियां लेकर के वहाँ से अंदर यहाँ पे आया जी। तो जब अंदर दफ्तर का खोल करके देखा तो अलमारी की तरफ एकदम मैंने देखा तो अलमारी टूटी हुई पड़ी थी जी, जी, जी। तो उसके बाद मैं पहले तरफ चलो सीसी कैमरे में मैं देखूँगा उनमें उनकी फ़ोटो ज़रूर होगी। उधर जा कर के देखा तो वो जो सीसी कैमरे का सेट था वो सारा का सारा ही वहाँ से गायब था। वहाँ से सब गायब है। हाँ, सब एक बार दिखाएंगे सर कहाँ पे। यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ से अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है क्योंकि उसे रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी अंदर हम जो है जा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर सीसी कैमरे जो हैं वो भी लगे हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि चोरों ने, और ये जो अलमारी है पहले इसे देख लेते हैं, ये देखिए किस तरीके से इसे डैमेज किया गया है और इसके अंदर से सर क्या चोरी हुआ है इसके अंदर से? इसमें तो ज़्यादा कैश वगैरह तो था नहीं, 1500 रुपये की रोजगारी वगैरह थोड़ी बहुत थी जी, जी। या फटे पुराने नोट इसमें थे क्योंकि हम कैश तो बैंक में ही जमा करवा देते हैं जी, जी, जी। तो इतना तो मेरे को पता है, बाकी कैशियर साहब को हमारे पता होगा वो आउट ऑफ स्टेशन है जी, 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 जी। तो ज़्यादा नुकसान पैसे पूसे का तो इतना कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं, नुकसान ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ना। दस्तावेज जो सुना तकरीबन ये उनके कुछ ही काम के नहीं थे, तो इनको नीचे गिरा हुआ था जैसे उन्होंने तलाशी ली होगी यहाँ से। उधर जो सा जब मैंने देखा सीसी कैमरे में जी, 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 तो उसका मुंह टेढ़ा किया हुआ है सीसी कैमरे का। तो यहाँ पर जो है सीसी कैमरे भी दिखा देते हैं। फिलहाल बता रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि वो घुसे तो इसी मंशा से थे कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे, उनकी ज़रूरत का सामान। ये देख लीजिए सीसी कैमरा, आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो सीसी कैमरा है वो यहाँ पर मोड़ा हुआ है, उसका जो फेस है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरह की जो चोरियां हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही हैं। और लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अपने घरों में सीसी कैमरे तो अवश्य लगवाएं, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा जो है उसको भी सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जब हम चोरी करेंगे तो हमारी सुरक्षा क्या है, सबसे पहले वो कैमरों को पीछे करते हैं। और इसका सर DVR के बारे में, DVR वगैरह वो साथ लेकर गए हैं? हाँ, साथ ले गए वो सारा जो सारा इसका जो सेटअप है जी, जी, जो इसका DVR है, जो इसका रिकॉर्डिंग रूम होता सिस्टम, उन्होंने सारा वो अपने साथ चोरी कर लिया। हाँ, वो सबसे पहले उन्होंने यही किया, सबसे पहले जब उसने एंट्री की उसने ये लाठी उठा के इसको कैमरे को ऊपर किया है जी, 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 अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए जी, 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 जी। ड्यू टू दैट उसके बाद उसने देखा कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ है, कैप्चर हो गई है, तो उसने यहाँ से उसका हार्ड डिस्क और जो CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग बॉक्स था वो सारे का सारा साथ लेके ले गए। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो है, सर आपका नाम? मेरा नाम सतपाल है, मैं भी मेंबर पंचायत हूँ सर। पंचायत सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम धन काम्बोज है और मैं प्रधान हूँ अपनी सोसाइटी का इसका जी, 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 जी। तो इस तरह अपने जैसे मेरी जिम्मेवारी बनती थी, पुलिस को मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसे सिटी थाना लगता है जी, जी। तो सिटी थाने से फिर पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा, फिर वो इसके जो फिंगरप्रिंट कर दिखाने के लिए उनको भी लेके गए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो फिंगरप्रिंट ले गए हैं, हाँ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आ गए, उन वो लेकर के गए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम देखते हैं जल्दी ट्रेस करेंगे, क्योंकि जो इनके कैमरे हैं बाहर जी जी गवर्नमेंट के लगे हुए, क्योंकि हमारे पास से जो आसपास से कोई सुराग तो मिल सकता है, क्योंकि आसपास और जगह भी कैमरे लगे हुए हैं, सबके DVR तो नहीं लेकर गए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर मिल सकता है। नहीं, उनका तो गवर्नमेंट के तो ये लगे हुए हैं जी, 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 तो उनमें देख सकते हैं, क्योंकि दो एंट्री है हमारी यहाँ पे जी, जी। एक तो इधर से है गेट से, दूसरी ये नवल्टी रोड से है जी, 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 तीसरी सिटी थाने से की तरफ से है जी, जी, जी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहीं से दो तरफ से एंट्री। पहले भी सर चोरी हुई है कभी यहाँ पे? पहले हुई यहाँ चोरी, तो बाथरूम से वो, क्योंकि इधर का जो है ना कुंडिया
अंदर से लगी हुई थी जी जी। तो वो अंदर ही तो एंट्री कर नहीं सके, वो परली तरह भी टूंटे टूंटे ही उतार करके ले गए थे उस वक्त। तो उसके बाद जो सुना दरवाज़ा उसका लॉक खुल गया था उनके पास, लेकिन इधर के जो सुना हमने फिर ये पक्का का काम कर दिया, क्योंकि अब ये देखो ये जो लगाई हुई है जी जी, ये जिधर की भी कुंडल लगाई हुई है और इसका जो भी लगा बाहर से ताड़ा भी लगा हुआ है जी जी जी। तो इनमें भी उन्होंने फाड़ियाँ लगा करके बारी लगा करके तोड़ने की पहले कोशिश करी, लेकिन इसमें नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार है कि जब उन्होंने तो उन्होंने मतलब वो जो लोहे की वेल्डिंग वाली चीज़ थी उसी को तोड़ दिया, उसी को तोड़ दिया। राजी मुझे इसमें लगता है कि इसमें जो आदमी पंचायत से विरोधाभास रखते हैं उनकी भी शरारत हो सकती है, क्योंकि जी यहाँ पे हर एक आदमी को पता है कि यहाँ पे पैसे का कोई काम नहीं है जी 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 जी। मोस्टली सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं जी जी जी। कुछ शरारती तो हर जगह रहते हैं जी जी, क्योंकि जो कुछ समाज के विरोधी भी हैं इसी तरह पंचायत के भी हो सकते हैं। शक भी है किसी पे नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है जी। लेकिन जिस तरह का जब यहाँ पे कोई कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा कोई साधन नहीं है, सिर्फ पंचायत को नुकसान पहुँचाने का कौन पहुँचाएगा? एक चोर आदमी ऐसा नहीं करता जी जी जी। लेकिन जो आज जो चोरी हुई है उसमें ये लगता है कि इसमें किसी ना किसी को पैसे की मंशा से सुनील वारी का लोकर और शोकर दौड़ा है जी 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 जी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो अलमीरा है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है, कैमरे का जो है मुंह उधर घुमाया गया है, जो यहाँ के प्रधान है और यहाँ के कार्यालय में काम करने वाले जो यहाँ के मेंबर हैं वो यहाँ पर, और ये देख लीजिए कि यहाँ से ये देखिए वेल्डिंग की, यानी इतनी मजबूत वेल्डिंग होती है उसे यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं किसी चीज़ से लग रहा है काटा हुआ है, किसी जो है आरी के साथ जो है ब्लेड से काटा गया है। और फिर यहाँ अलमीरा को यहाँ देखा गया है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो अलमीरा होती है उनको जो है सबसे पहले निशाना जो है बनाया जाता है, क्योंकि उसी के अंदर जो है लोग अपने चाहे घर की ज़रूरी सामान है। इसका लॉकर भी तोड़ा है, लॉकर भी इसका तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अलमीरा को हमेशा निशाना बनाते हैं, लॉकर को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि लगता है कि उसी में पैसे रखे गए होंगे। लेकिन यहाँ से कुछ मिला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला, सिर्फ कागजात थे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो चोर है इतनी हिम्मत कैसे होगी, क्योंकि ये जो इलाका है वो सारा शहर के बीचों बीच का इलाका है और कार्यालय है, इस सोच से कैसे आगे कि यहाँ पर पैसे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जो सबूत के तौर पर आपको बता दें कि वो अपने साथ में DVR ही लेकर चले गए हैं। और ये एक ऐसा मामला एक बार नहीं देखा गया है, हर बार जब भी किसी घर के अंदर जब चोरी की जाती है वहां से सबसे पहले जो है DVR को लेके जाया जाता है, ताकि किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग या किसी तरह का कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन फिर भी उसके अलावा शहर के अनेकों जो है लोगों के जो चाहे दुकानों के बाहर हों चाहे कहीं भी हों वहां पर जो है कैमरा लगे हुए हैं। अगर वो किसी चीज में आए थे, किसी बाइक पे आए थे, किसी गाड़ी में आए थे या वो कहीं से भी आए थे, तो उसकी जो जानकारी है जरूर जो है कहीं ना कहीं हम पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि इसकी जो फॉरेंसिक जांच में एक्सपर्ट्स हैं जो उन्होंने फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। लेकिन अब जो है आगे की कार्रवाई के लिए जो है वो सिर्फ फुटेज से ही पता चल पाएगा कि वो कहां से आए थे, कौन हो सकते हैं, और उसके बाद ही जो है आगे जो है इस बारे में जानकारी हो पाएगी। और पहले भी यहां पर चोरी हुई है, और चोरी के अंदर पहले बताया जा रहा है कि यहां पर जो सेंट्री का सामान है यानी कि बाथरूम से जो टूटियां तोड़ ली गई हैं, मेरे ख्याल पानी की टंकी थी कुछ, उसको भी यहां से लेकर जाया गया है। तो इस तरह की चोरियां की गई, और ये जरूर देखने में आ रहा है कि ऐसा काम जो नशे वाले लोग हैं वो जरूर करते हैं, क्योंकि उनको अपना नशा पूरा करना होता है, और ऐसे में वो पानी की चाहे टूटियां हों उनको जो है वो बेच लेते हैं रद्दी के अंदर। तो इस तरह के जो काम है जरूर किए जाते हैं, और आज तो यहाँ से शायद उनको यही रास्ता मिला। तो सर ये खिड़की खुली हुई थी रात को, इसका मतलब है ये भी खिड़की बंद थी, तो ये उन्होंने धक्का मार के वहाँ से करके और इसे तोड़ दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जो है फिलहाल, तो सर ये कुंडी लगी नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ये था इधर से थोड़ी है ना खिंची है ना, बाहर से मारी है ना सर। अच्छा, ये बाहर लेके ले थोड़ी, फिर इसको बाहर अंदर धकेल दिया इसको अंदर धकेल दिया लात से या जूते से जिससे भी उसने किया। तो क्या इसके अंदर की ये चिटकनियां लगी हुई नहीं थी? चिटकनियां नहीं लगी हुई थी, रंग रोगन करवाया था ना। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद वो टाइट होने की वजह से। हाँ, तो इसकी चिटकनी नहीं लगी हुई थी, चिटकनी नहीं लगी हुई थी। तो हाँ, तो यहाँ पर जो है इसकी चिटकनी नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने इसी शायद इसीलिए निशाना बना ली, शायद उनको लगा कि सिर्फ जो है यहाँ से दो ब्लेड काट लेने से उनका रास्ता यहाँ बन सकता है और कोई भी आदमी जो है भारी से भारी आदमी भी इसके बीच में से निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर चोर तो जा चुके हैं। और लगभग सर कितने बजे के आसपास का हादसा है ये? तो हमारे को नहीं पता कितने बजे का है। तो सुबह जब सफाई कर्मचारी सफाई करने आता है रूटीन से जो लगा हुआ है जी, उसने जाके प्रधान जी के घर पे आठ बजे के आसपास इनको इंटीमेट किया। उसके बाद ही आए, इन्होंने ताला खोल के देखा जी जी। उसके बाद स्थिति क्लियर हुई, उसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किया गया। 8:20 पे 100 नंबर को फ़ोन कर दिया था, और 8:25-30 के करीब सिटी थाने करनाल में उसकी इंटीमेशन दे दी गई थी जी जी। उसके बाद पुलिस की टीम भी आई थी,
फॉरेंसिक की टीम भी आई है, उन्होंने इसका पूरा जो उन्होंने चेकिंग करनी थी या जो बेसिक रिपोर्ट लेनी थी वो लेकर गए हैं और हमने भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी है। तो यहाँ पर आपको सारी तस्वीर हमने दिखाई है और आपको बता दें कि बाहर का जो एरिया है वो एक बार दिखा देते हैं। जो दयालपुरा गेट से जो है ये सारी जो पार्किंग इधर पड़ती है और फिर उसके बाद से कार्यालय शुरू होता है इस तरफ, और दयालपुरा गेट से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर रुडान जो आपको बता दें पंचायत का जो कार्यालय है वहाँ पर चोरों ने सेंध लगाई, लेकिन यहाँ पर चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा है। अलमीरा को तोड़ कर चले गए, लॉकर भी तोड़ा लेकिन उनके हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा है। और लोगों से कहेंगे इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और अपने घरों के अंदर जो है चोरी चकारी जैसी चीज़ों से बचने के लिए फिर भी हम यही कहते रहेंगे सीसी कैमरा ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसे केसों में होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता डीवीआर कहाँ लगा है कहाँ नहीं, और उनकी कोई ना कोई जो ऐसी हरकत है वो उसमें कैद हो ही जाती है, इसलिए सीसी कैमरा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल जो है अपने साथ ही वो डीवीआर लेकर जा चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो चोर है वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि फिलहाल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भविष्य के अंदर फिर से जो है वो इस तरह के हाथ मारने की कोशिश ना करें, उसके लिए जो है पुलिस स्टेशन से अपील करेंगे कि इसकी तह तक ज़रूर जाएं। और फिलहाल आई बिन 24 पर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।